सरकार जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर गंभीर है, तो वहीं स्कूल स्तर पर इसमें सुधार नजर नहीं आ रहा। आए दिन स्कूलों में बच्चों के साथ कोई न कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे कि शिक्षक जैसे अहम पद पर स्तर गिरता ही जा रहा है। वहीं सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के सुधार पर खर्च कर रही है, नए शिक्षकों की भर्ती कर रही है। वहीं शिक्षक छात्रों से स्कूल की साफ सफाई के साथ साथ अब स्कूलों के टॉयलेट भी साफ करवा रहे हैं। जहां माँ बाप ये सोचकर अपने स्कूलों बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं कि कल उनके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होगा और वो देश और परिवार का नाम रोशन करेंगे, वहीं उनके होनहारों से स्कूल के टॉयलेट साफ करवाए जा रहे हैं और सरकार से मोटी तनख्वाह लेकर ये मौज मस्ती कर रहे हैं। जी हाँ, मामला रामपुर के एक सरकारी स्कूल के नगर क्षेत्र का है। यहाँ स्थित पमरिया स्कूल है जिसमें वहाँ की मास्टर नी साहिबा आराम से बैठती हैं और पढ़ाने के बजाय बच्चों से स्कूल की साफ सफाई के साथ साथ शौचालय भी साफ करवाती हैं। जो काम सफाई कर्मचारी का है वो मैडम बच्चों से करवा रही हैं और माँ बाप ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़कर उद्धार बनेंगे। सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर कोई सुधार नहीं करवा पा रही है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा खत्म होता ही जा रहा है। गरीब परिवार अपने बच्चों के भविष्य को निजी महंगे स्कूलों में शिक्षा दिलवाने को मजबूर है। वहीं जब इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी ने गंभीरता पूर्वक लिया तो तुरंत जाँच बैठाते हुए जाँच ADM को सौंप दी गयी। बच्चों से आप टॉयलेट साफ करा रही हैं, सर बताओ क्यों करा रही हैं टॉयलेट साफ? और ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एक मामला आया है जिसमें प्रधानाध्यापक पनमणिया स्कूल की बच्चों से शौचालय साफ करा रही है, इसमें क्या पूरा जांच? डीएम साहब ने इसके लिए हमें नामित किया है जांच के लिए और कल ये घटना प्रकाश में आई है और इसकी जांच हमको सौंपी गई है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो है कार्य गलत है। अच्छा तो सर, इसके अंदर अभी क्या किसी तरीके का पनिशमेंट दी गई है प्रधानाध्यापक को? नहीं, अभी तो जांच में है, करने के लिए बताया गया है करने के लिए। आज हमें ये जांच बताई गई है करने के लिए और इसमें हम DSP को बुला रहे हैं, साथ ही साथ हम मौके का मुआयना करेंगे और उसके बाद ये निर्धारित होगा कि इसमें वास्तव में दोषी कौन है।